एक गहरी नींद एक अद्भुत अनुभव है, एक श्रेष्ठ अनुभव है। भगवान ने यह अनुभव हमें रखा है क्योंकि भगवान का अनुभव क्या है उसको समझने के लिए रखा है। समझ गए? ये क्या है गहरी नींद में आपको कोई अनुभव है क्या, ये बताइए मुझे। नहीं है बिल्कुल। कितने लोग बोलते हैं गहरी नींद में मुझे कुछ अनुभव नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। गहरी नींद में दुनिया था क्या? नहीं था। गहरी नींद में शरीर था क्या? गहरी नींद में आपके सगे संबंधी कोई थे क्या? गहरी नींद में ये शहर था क्या? गहरी नींद में मन था क्या? बुद्धि था क्या? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था, गारंटी। वो बिल्कुल नहीं था अनुभव नहीं है क्या? आपको इतना बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि कुछ नहीं था? वो कुछ नहीं था अनुभव है ना, वो अनुभव है कि नहीं? बोलिए मुझे। आप मेरा चश्मा इधर है, ये चश्मा इधर है अनुभव है, ये चश्मा इधर नहीं है, चश्मा इधर नहीं है अनुभव है कि नहीं? हाँ, एब्सेंस इज अनुभव ना। गहरी नींद में आपको इतना अनुभव है, दुनिया नहीं है, शहर नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये अनुभव किसको है? आपको इतना बिल्कुल श्योरिटी से बोल रहे हैं नहीं है। ये नहीं का अनुभव किसको हो गया? आत्मा को हो गया। ये जो नहीं है वो बोलता है वही आत्मा है। इतना बिल्कुल दृढ़ विश्वास से बोलते नहीं था। जो नहीं है उसका अनुभव जिसको होता है वही आत्मा है। समझ गए? और अभी और एक स्टेप लेंगे। आपका शांतता का अनुभव था क्या? आनंद का अनुभव था क्या? नहीं था। हाँ, है ना, शांति का अनुभव है। फिर क्या आप बोलते हैं मुझे अनुभव नहीं है? हाँ, आप बोलते हैं आपको अनुभव नहीं है। जब आपको अनुभव है शहर नहीं है, दुनिया नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शांति का अनुभव है, ये अनुभव नहीं है क्या? हाँ, जाग उठने के बाद आपको अशांति का अनुभव होता है। गहरी नींद में आपको शांति का अनुभव होता है, ये अनुभव नहीं है क्या? नहीं नहीं, हाँ, जागने के बाद आप याद करते हैं बहुत अच्छी नींद आ गई, हाँ, लेकिन वो अनुभव नहीं है तो आपको कैसे याद आएगा? है ना, वो एक्सपीरियंस किया। हाँ, उसी के लिए बोलते हैं आप शांत। वो गहरी नींद एक आधा घंटा नहीं मिला तो आदमी पागल हो जाएगा, है ना। इसी जो कुछ को मेंटल डिस्टर्बेंस है उसको साइकियाट्रिक डॉक्टर देते हैं स्लीपिंग टैबलेट, वो गहरी नींद पा दे कह रही। इतना आनंद का अनुभव होता है उसमें, सब लोग, सब प्राणी, सब जीव जंतु वो आनंद का अनुभव पाने के लिए बाद में गहरी नींद की जाने के लिए इच्छा करते हैं। हाँ? So, आपको यह अनुभव आया, शहर नहीं है, दुनिया नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शांति है। हाँ? आपका अस्तित्व था क्या? आपका अस्तित्व था क्या गहरी नींद में? आप थे क्या? अब ये जो सारे अनुभव हो रहे हैं ये तो अभी को तो हो रहे हैं। हाँ, हमको है, वही आत्मा है, तो वही परमात्मा है। आप बोल रहे हैं गहरी नींद में कुछ नहीं है। हाँ, और एक प्रश्न पूछता हूँ, गहरी नींद में आप थे क्या? हाँ, उनको शब्द डाउट है, शंका है, आप थे क्या? एक्सपीरियंस में तो थे। एक्सपीरियंस नहीं तो और क्या है? गहरी नींद में आप आए थे या नहीं? गहरी नींद में आप नहीं आए तो उठने के बाद मैं अच्छा नींद क्या क्या अच्छा नींद आया क्या किसको बोल रहे हैं? मेरा नींद आ गया क्या? गहरा नींद में इतना याद है आपको, एक है शांति है,
ग्यारहवें में दुनिया नहीं है, ग्यारहवें मैं हूं, इतना तो पता है आपको, और क्या बताना चाहिए भाई, हाँ और क्या बताना चाहिए आपको, इसमें और कितने कहां थे आप, अंदर थे बाहर थे कहां थे, वहां अंदर बाहर का प्रश्न ही नहीं है, है ना, उसका अर्थ है वहां स्पेस नहीं है, टाइम कितना हुआ पता है क्या आपको, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, आप टाइम से छूट गए, स्पेस छूट से छूट गए, शरीर मन बुद्धि और दुनिया से छूट गए, उसको क्या बोलते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं, समझ गए, पहला प्रश्न है आपका, आपको गहरी नींद में आपका अस्तित्व है क्या, है बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो सोने वाला और एक है जागने वाला और एक है, क्योंकि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो है ही, किसको पता है अस्तित्व है, स्वयं को पता है, सो अस्तित्व है उसको बोलते हैं सत्य, अस्तित्व को बोलते हैं सत्य, आपको दुनिया नहीं पता है, शरीर नहीं पता है, मन नहीं है पता है, बुद्धि नहीं पता है, हाँ जिसको पता है उसको बोलते हैं चित्त, आपको शांति का अनुभव है, हाँ उस शांति को बोलते हैं आनंद, सो तीन का अनुभव है आपको, सत चित्त आनंद, सत चित्त आनंद को बोलते हैं ब्रह्मा, और एक अनुभव है आपको, टाइम नहीं है वहां पे, काल नहीं है, काल का बंधन नहीं है वहां पे, आकाश का बंधन नहीं है, स्पेस का बंधन नहीं है, स्पेस के बंधन नहीं है, आकाश का बंधन नहीं है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमात्मा, ये कौन है भाई, हा? कौन है, कौन है, ये मैं हूं, आपका स्वरूप है, जब आप नींद से बाहर उठते हैं तब आपका स्वरूप भूल जाता है, ये माया में फंस जाते हैं, अगेन कम्स इन बाउंड्रीज, हाँ समझ गए, आपको परमात्मा बनने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, आप परमात्मा ही हैं, आप शरीर बुद्धि रूप नहीं, जो शरीर बुद्धि से छूटा है गहरी नींद में जो आपको जिसको पाते हैं वही परमात्मा है, वही परमात्मा शरीर धारण करके दुनिया में आता है माया रूप में, तब बनता है जीव, उसी को हम बोलते हैं शिव ही जीव, जीव ही शिव, शिव ही जीव, जीव ही शिव, नारायण ही स्वयं जीव के रूप के धारण में दुनिया प्रवेश करते हैं, दुनिया है विष्णु रूप नारायण का रूप, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब माया में प्रवेश करते हैं तो टाइम स्पेस आ गया, टाइम आ गया, शरीर आ गया, और ये माया लीला शुरू हो गई, घबरा गए हम, ओके या कहाँ फंस गए, उसके लिए हमको ये नींद की स्थिति का याद करना है, कैसे याद करना है, उस नींद का स्थिति को याद करने के लिए ध्यान बोलते हैं, जागृत नींद को ध्यान बोलते हैं, क्योंकि ध्यान में नींद में सत चित आनंद का अनुभव हुआ, देश काल से छूटने का अनुभव हुआ, लेकिन वो अनुभव भूल गया हमें जागृत अवस्था में, उसी के लिए जागृत अवस्था में भी उस नींद को याद करना है, उसी को ध्यान बोलते हैं, है ना, वो करते करते क्या होता है, जागृत अवस्था में और नींद का स्थिति नहीं जाती है, जागृत में रहते हैं, दुनिया का व्यवहार करते हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप भूल नहीं जाते, उसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति, ब्रह्मस्वरूप ही बनके जागृत अवस्था में काम करते हैं, उसको बोलते हैं सहज समाधि।
भूल गए तो जीव बनता है, याद रहते हैं तो ब्रह्म बनते हैं। बस कोई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं, आसान है। इतना आसान है। ये है ज्ञान योग का मेथोडोलॉजी। ज्ञान योग में हमारा जागृत स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, हमारे जीवन को देखकर परमात्मा क्या है इसका ज्ञान प्राप्ति करना ही ज्ञान योग है। और कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, ये साधना करो वो साधना करो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अपने जीवन को ठीक तरह से देखो, अपने जीवन में अंदर बाहर परमात्मा है उसको पहचानो और काम करो, बस यही ज्ञान योग है। उसको ज्ञान योग में आप ये साधना करो वो साधना नहीं, पहचानो। और कोई प्रश्न है?